तक आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक और अब ऐसी खबर जो आपको बताएगी कि राजनीति में दांव की अहमियत क्या होती है। दांव यानी स्ट्रोक। जैसे जैसे 2019 का चुनाव नजदीक आ रहा है, चाहे राहुल हो या फिर मोदी, दोनों स्ट्रोक पर स्ट्रोक खेल रहे हैं। आप इसे राजनीति की पिच पर छक्का लगाना भी कह सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे पीएम मोदी का छक्का। ये एक छक्का नहीं, पूरे 6 छक्के हैं। 2 लग चुके हैं, 4 अभी बाकी है। पहले इस खबर से जुड़ी 5 हेडलाइंस आपको देख लेनी चाहिए और उसके बाद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने होगी। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी और मिडिल क्लास के लिए सरकार कर सकती है अभी बहुत सारे बड़े ऐलान। 10% आरक्षण और जीएसटी स्लैब बढ़ाने के बाद पीएम मोदी की तरकश में 4 और तीर बचे हुए हैं। सूत्र बता रहे हैं किसानों के लिए तेलंगाना और उड़ीसा के तौर पर फसल से पहले खातों में कैश सब्सिडी दी जा सकती है। वोट ऑन अकाउंट के दौरान इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 4 लाख तक भी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक मजदूर वर्ग के लिए लेबर कोड बिल तैयार हो रहा है। पीएफ और ईएसआई की सुविधा उसमें मिल सकती है। अब देखिए एक्सक्लूसिव स्टोरी। क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवर में लगता है, मालूम है ना आपको, जब मैच क्लोज होता है तो छक्का लगता है। तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले। That's huge. That is a biggie. It's out of here. स्लॉग ओवर के जिस सेक्सर की बात कानून मंत्री ने की थी उसका लगना शुरू हो चुका है। वो विकास के लिए आएंगे, बदलाव के लिए आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आएंगे। मोदी सरकार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 6 छक्के लगाने वाली है और अंदाज कुछ ऐसा ही होगा। स्टेडियम में बैठकर के क्रिकेट का मैच देखते हैं तो बहुत पता नहीं चलता है कि बॉल कहां गया, लेकिन दूर घर में बैठ करके टीवी पे देखते हैं हर चीज का पता रहता है, बॉल कहाँ गया, बॉलर कहाँ गया, बैट्समैन कहाँ खड़ा है, उसका पैर कहाँ है, सब पता चलता है। 2019 को टारगेट करते हुए मोदी ने 2 छक्के लगा दिए हैं। पहला 10% रिजर्वेशन वाला छक्का। दूसरा जीएसटी छूट की लिमिट 40 लाख करने का छक्का। दो छक्के लग गए, अब तीसरे की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक तीसरा छक्का किसानों के नाम होगा। मोदी सरकार किसानों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पूरा मसौदा तैयार है, जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना और उड़ीसा में चल रही योजना को मिलाकर नई योजना तैयार की गई है। तेलंगाना में हर बुवाई सीजन से पहले किसानों के खाते में प्रति एकड़ 4,000 रुपए सब्सिडी के तौर पर आते हैं, वहीं ओडिशा में ये रकम 5,000 रुपया प्रति एकड़ है। तो देश भर के किसानों के खाते में मोदी सरकार 4 से 5 हजार के बीच में जमा करा सकती है। वहीं ये भी तय किया जा सकता है कि फसल बेचने पर किसानों को कम से कम सरकारी दाम जरूर मिले। ये मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा चलाई गई भावांतर भुगतान योजना का मॉडल है। इससे करीब 14 करोड़ किसान प्रभावित होंगे और सरकार को 272 लोकसभा सीटों पर फायदा होगा। अब देखिए पीएम मोदी का 4th चुनावी छक्का, जो सीधे इनकम टैक्स देने वालों से जुड़ा हो सकता है। आठ लाख में आप कहते हो कि 8 लाख से जो कम होगा वो गरीबी रेखा में आएगा, तो आप वो भी इनकम टैक्स लिमिट 2.5 से 8 लाख कर दीजिए ना, बजट में कर दीजिए। That's huge. That is a biggie. It's out of here. It's 4 in a row. कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने ये गुगली फेंकी थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसी बॉल पर छक्का लगा सकती है। तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले। 6 बॉल। 1 फरवरी को मोदी सरकार अपना वोट ऑन अकाउंट पेश करेगी, उसमें मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। 4 लाख तक की आमदनी पर इनकम टैक्स से छूट मिल सकती है।
यानी देश के 1,86,00,000 लोग इस फैसले से सीधे प्रभावित होंगे। 2019 चुनाव से पहले गरीबों को साधने के लिए मोदी सरकार और दो बड़े फैसले कर सकती है, यानी पांचवा छक्का उज्ज्वला योजना को हो सकता है। उज्ज्वला योजना में लोगों को दूसरे सिलेंडर मिलने की शिकायत है। सामान्य लोग साल में 7 सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो उज्ज्वला लाभार्थी सिर्फ 3.8 सिलेंडर इस्तेमाल कर पाते हैं। ऐसे में सरकार साल में 3 सिलेंडर तक मुफ्त देने का ऐलान कर सकती है। इस ऐलान से करीब 8 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। अब देखिए वो छठा सिक्सर जिससे मोदी सरकार देश के लाखों लोगों को साधेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार मजदूर वर्ग के लिए देश का पहला लेबर कोड बिल तैयार कर रही है। इसके जरिए सभी मजदूरों और मेहनतकशों को एक तय रकम देने के अलावा पीएफ और ईएसआई सुविधा देने की योजना है, और इसका फायदा करीब 33,00,000 लोगों को मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की फिरकी के कारण लड़ाई जहां मुश्किल नजर आती है, वहीं पीएम मोदी स्लॉग ओवर्स यानी आखिरी समय में ये छक्का लगाकर 2019 का कप अपने नाम करने की तैयारी में है। लेकिन एक बात बताइए, आखिर क्यों मोदी सरकार को अपने कार्यकाल के अंत में जनता पर तोहफों की बरसात करनी पड़ रही? शुरू से लेकर अब तक, नोटबंदी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक, सिर्फ और सिर्फ कड़े और स्ट्रॉन्ग फैसले लेने वाले पीएम को आरक्षण और सब्सिडी का ऐलान क्यों करना पड़ रहा है? मास्टर स्ट्रोक एक सवाल है जो आपके लिए यानी जनता के लिए भी है और सरकार के लिए भी है। देश कड़े फैसले से अगर चलता है तो फिर वोट घोषणाओं पर ही क्यों मिलता है? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।